पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर अचानक से लड़ाकू विमानों की गतिविधियां बढ़ा दी हैं। नियंत्रण रेखा पर अपनी सीमा में पाकिस्तान के F-16, JF-17 और मिराज 3 उड़ान भर रहे हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक पिछले दिनों हंदवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में कर्नल आशुतोष शर्मा की शहादत के बाद पाकिस्तान डरा हुआ है और उसने बॉर्डर पर फाइटर एयरक्राफ्ट की गतिविधियां बढ़ा दी है। हंदवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के F-16, JF-17 और मिराज 3 विमान भारतीय सीमा रेखा के नजदीक उड़ान भर रहे हैं। पाकिस्तान की इन हरकतों को देखते हुए भारतीय सेना पूरी तरह से सतर्क है और बॉर्डर पर पाकिस्तानी वायुसेना की एक एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। भारतीय वायुसेना के एयरबेस भी पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। पाकिस्तानी विमानों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए भारत एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। बता दें कि 27 फरवरी 2019 को भारत ने देश की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था। इसके बाद पाकिस्तान ने कई महीनों तक अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। बता दें कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से आतंकियों की गतिविधियां बढ़ी हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से परेशानी होने के बावजूद पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर लगातार फायरिंग कर रहा है। हंदवाड़ा में भारतीय सेना के साथ आतंकियों की मुठभेड़ से पहले भी पाकिस्तान के विमान उसके इलाके में उड़ान भर रहे थे। भारत की नजर पाकिस्तान की पूरी गतिविधियों पर है। दोस्तों, यह आतंकीस्तान आखिर अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आ रहा है? क्या अब आतंकी पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक 3 मांग रहा है? आतंकी पाकिस्तान यह क्यों नहीं समझ पा रहा कि वो इंडिया को सपनों में भी किसी तरह नहीं हरा सकता? इंडिया उसका बाप है और बाप से बेर बहुत भारी पड़ती है। दोस्तों, इंडिया को क्या करना चाहिए, आप हमें अपने कमेंट्स जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय भारत, जय हिंद।